स्नेह सरिता च संगम समागम मधि सरोपरिवार चादर विचरता रहा क्या है नैतिक समझ कोई पाता नहीं अरे कर्म करके अनैतिक गुजरता रहा काल स्नेह सरिता च संगम समागम नभि सपरिवार चादर विचरता रहा क्या है नैतिक समझ कोई पाता नहीं अरे कर्म करके अनैतिक गुजरता रहा काल कलिका कलि को कलम कर दिया अरे काति क्रंदन कहानी कफन में छिपी परिंदा जो जिंदा रहे विश्व में अरे इनकी हरकत लहद के दफन में छिपी परिंदा जो जिंदा रहे विश्व में उनकी हरकत लहद के दफन में छिपी याद रहे धरती पर दीरों की कमी नहीं रही तो धरती पर भड़ुओं और दलालों और गद्दारों की भी कमी नहीं रही जहां पृथ्वीराज चौहान जैसा सपूत पैदा होता है वही जयचंद जैसा नमक हराम भी पैदा होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आज का दौर आतंकवाद से जूझ रहा भारत 10 वर्ष से चिल्ला रहा है 10 वर्ष से चिल्ला रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। किससे कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ से। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 3 थे ब्लास्ट खाली अमेरिका के टावर बिल्डिंग गगनचुम्बी पर जब भयल तो अमेरिका पूरी फौज लेकर के और आतंकवाद के खिलाफ जहाज जहाज छेड़ दिया, कव्वाली का टुकड़ा लगल झगड़ा। किसी आशिक ने कहा है, क्या कहा भैया? हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, अदालत नाज की तलवार चमकाने की आदत है, सितम ढाने की आदत है, खफा करने की आदत है, मगर हम आशिकों को चोट सह जाने की आदत है। हमने क्या मांगा था तुमसे? क्या? लेकिन तुमने क्या दिया? क्या दर बदर मुझी को दिल से, अरे दर बदर मुझी को दिल से दगा दी गई, दर बदर मुझी को दिल से। बदर मुझे पुत्र सिंह दगा दी गई, अरे तेरे बदर मुझे तो दिल से दगा दी गई। हमने क्या मांगा था? हर तरफ नफरतों की, अरे हर तरफ नफरतों की, अरे किरण देखिए हर तरफ नफरतों की, अरे हर तरफ नफरतों की किरण देखिए, अरे नफरतों की किरण देखी, सहमा सहमा है सारा, सहमा सहमा है सारा, अरे वतन देखिए सहमा सहमा, सहमा।
हर रस का आनंद उठावत चला। कहानी कहाँ कह लरे लरे लारे जिला सुल्तानपुर में सेठ रामा धार रहे, जिला सुल्तानपुर में सेठ रामा धार रहे, मरे पानी पर पानी वाले पानीदार रहे। रामाधार सेठ के परिवार के परिचय हो। गरीब नारायण ई मत जाना कि बिदाई दैदा दहेज के विवाह शुरू कर देलन, नहीं देश का कमी हो का बेटी मौसमी मौसम सिली अंगड़ाई है, उठे कटिहार में जो नौ बसंत लाई है, बेटा बसंत जिसकी उम्र 8 साल रही, सेठ की जिंदगी दौलत से मालामाल रही, लेकिन भगवान का प्रभुत्व सारा लूट गया, घूमते मेले में बेटे से संग छूट गया, जिला सुल्तानपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव कटिहार गांव के रहने वाले सेठ रामाधार के पास एक बेटी जाने का उम्र 13 साल, बेटवा का उम्र 8 साल, मौसमी बसंत, मौसमी नाम बेटी का हो, बसंत नाम लड़का का हो, सन 90 का मेला देखा बजे चलन कहा विजयदशमी का मेला जवन हमारे महाराजा किला छकिया और हर एक धरती पर बड़ा धूमधाम से मनावल जाला। भैया हो बाबू विजयदशमी का मेला देखा बदल चलन है तई जनता हो, जनता के मिजाज के चिन्हला, आज जनता के मिजाज के चिन्ह गल वह सलीब पारखी हो। बाबूजी बेटवा का हाथ पकड़ लेवन बसंत का, अब मतारी का आचर पकड़ के पीछे पीछे वो बिटिया मौसमी जाती तो ने जोर से वही मेला में आवाज आई लरे खबरदार सर्कस का शेर खुल गया, कितना जाने के फार डालस। अब जनता अरे मदवा शेर खुल गया चले फार गड़गड़ा के मेला भगल कितना इतनी खपसाए के मर गई ना। अब संजोग कि लड़िकवा जौन बाबू का अंगुरिया पकड़ ले हो, आदमी के जौन बात और पाड़ में भागत कर हाथे हाथे आदमी उठा के मेला के 1 किलोमीटर आगे कर देलन। रोवत रोवत सवेरे से सांझ हो गई, उत्तर साइड में जब जाए 3 कोस का मेला होला, आज ही लगा ला मेला सुल्तानपुर में, कपोल काल्पनिक बात नहीं हो, पत्रिका ये समय भी मौजूद हो। 3 कोस का मेला, रोवत रोवत लड़का उत्तरी साइड में जाए, और जब उत्तरी साइड में जावत जाए तो बाबू माई खोदत खोदत दक्षिणी साइड में आ जाए। वही है सोई जो राम रची, भगवान के आगे क्योंकि बस नहीं चले। रोत रोत लड़का के जौन बात उन हिचकी बंधाई गई बा, एक जोगी बाबा वही दुकान पर बैठ के पानी पियत हुन कुछ मीठा लेके दोना में, लड़का बाबा पहुंचल जाए के बाबा के सामने खड़ा कलक के, ए बाबा हमारे भूख लगल, बाबा कलन बचवा तुहर का ना झर 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 रोत के हमार नाम बसंत था, तोरे बाबू का कहना हो बेटा, बाबू का नाम बतौलो सेठ रामाधार है, तोरे गाँव का नाम कहा बेटा, ना पता कितना दुलार लोग कैले हुआ गंगुआ के नंगुआ के मेरी कुछ बोला भाई ना करे मालिक मेला उसके भाई। तमाम प्रयास के बाद भी मालिक का होनहारी हो नहीं, 3 रोज तक मेला में लेके परेशान रहलन। चौथ का दिने बाबा संगे संगे लेके लड़का के चल दलन गांव में घुमा में भैया के चिन्हले हत ले ले चल पहुंचल लेके कहा लड़का के गोरखपुर बसंत जोगी बसंत जोगी बन जीवन को नया मोड़ लिया छोड़ माला को हर छाया से नाता जोड़ लिया के लड़का
जोगिया वस्त्र धारण करके छोटी ससरंगी दे के गुदड़ी पहिरा के अब बाबा लेके पीछे पीछे घूमने लगल। बहुत आदमी गरियावा की हेर के जोगिया के मारा फसौले हल कवा के बाबा कहा कि भैया मरले का जरूरत ना है, चिन्हत हुआ तो लिया जा। हमें कर बाबुआ माई की खोजत है, एक मेला में मिलल रहा। दिन बीते लगल, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, सन 95 एयरसेफ जी अपने करेजा छाती के पीट पीट के मना ले हुआ। एक कई बिटिया है, पूरे प्रॉपर्टी के दौलत का मालिक क्या हुई वह लड़किया। वही बिटिया का शादी धूमधाम से रचौलन, कहानी का मोड़ घूमत जाये। बिरहा तो आप लोग बहुत सुन ले होगा, लेकिन हमार दावा है कि ऐसा बिरहा भाई ने सुन ले होगा। मन मसवास के बेटी के शादी की तैयारी करते हुए बिरहा में तर्ज बदल गई। कोनो दुल्हन का दुल्हा घरे का नहरारू को खोदल, नहरुआ खोदल की कमैबा उमैबा ना तो कैसे काम चली। बस भागल, कहा भागल, गयल बस होमगार्ड में भर्ती हो गए। मारे लाजन वहरिया से चिट्ठी भेजा था हैं टिंकू के माई के मालूम कि हम रेल का ड्राइवर हो गए। बड़ी खुश बा टिंकुआ के माई चिट्ठी लिखवावत है, चिट्ठिया में क्या लिखौल लिखौल कि अरे सारी हम ना, अरे सारी हम ना पहिना राजा, अरे सारी हम ना पहिना राजा रेलिया कही डर रही बर। दुनिया के पैरसी में इतने हमार कैसे टायल भेजे तानी चुम्मा उनमें जो है तो अनीता राज गावेलिन गुरु अनीता राज गावेलिन हमके हमारे पर सवाल जवाब करेगी। काल इनकी करिया हो के बाए राजा, ये हमारी तो सूचो सही अभी न तो सही था, अब कितना ही करिया हुई है बटूरे है। बटूरे कई अनिता राज के दोनों तुम सवाल हमारे पर आवला कि अरे करिया हो के बाए राजा, अरे करिया हो के बाए राजा जनजा को लल्ला, करिया हो के लल्ला ए राजा जनजा को लल्ला, करिया हो के लल्ला बड़ा खुशी का माहौल है, लेकिन बेटवा का गम नहीं कलेजा में है। पांच साल पहले हेराए लही आज लेना मिलल लड़कवा ना पता हमार कहा होई कि दबा चोई में लवे में मर वर गयल। यह मने मने सोचत हुआ बेटी का विदाई करत हुआ तो कैसे, अरे तब बिटिया घूमे लगली हो तहिया, अरे बिटिया घूमे लगली हो तहिया सैया संग भवरिया, बिटिया घूमे लगली हो तहिया सैया संग भवरिया, बिटिया घूमे लगल संगठन मंत्री श्री राम नगीनाथ सोनकर जी बड़ा प्यार हो 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब बहन के प्रणाम। विदाई हो गई लगन लही भैया भैया एकदम ध्यान बटन में सुहागरात के सीने सुना अरे पिया कैसे जिया पर परिवार ऐसा देख के कई रोमन की हाथ मौसमी के पति रामू और सास ससुर बस और क्यों ना
रामू सुहाग रात की कोठरी में प्रवेश करता हूं, मालिक की मर्जी है। रतिया कैसे दियो अगोरी का खन की गई ले दूनरी सभी का पति रामू जब वही सेठ पर बैठल अब बैठता बैठत 12:30 बजे था। बैठता बैठत मौसमी के पति रामू इतने कहलन, आह रे माई अनजान दिल हो दुल्हन घूंघट उठावे में देरी करी, पक से घूंघट फेंक के दौड़ जल। आपकी कोनो तकलीफ है का? रामू अपने दुल्हन से बतावत हुआ पैर छुअत थे आ खटिया पर बैठल हुआ बतावत हुआ दुल्हा के बेस में। रामू का बतावत हुआ? हमारी फाटक बात हो रमिया सगरी गतरिया, देह जोन दुखात बा तोन दुखात बा हमारे पेट में दर्द। आप चिंता मत करा, नई नवेली दुल्हन कब्बो वहीं आगे के पजरे नहीं गई बा चूल्ही के पजरे अपने ससुरे में। वो दिनवा तैयार है, पर्द तुरंत स्टोव जला के गर्म पानी करके थमौलस घी लहसुन जला के देलस, लेकिन मालिक का मर्जी है। जमारी बढ़ते जात में दू बदत बदल सहसा उठल भारी पेट में दर्द भूमिल बहिल मौसमी के खुद का हर दिया। बच्चे बच्चे मौसमी का पति रामू इस दुनिया से उसी पलंग के पर चल बैठा। आप लोग सोच के देख ला जौने दुल्हन के दुल्हा सुहाग रात के कोठरी में ये दुनिया से अलविदा हो जाए। तभी लिखत हूं सुहागिन का सुहाग लुट गया, अरे सुहागिन का सुहाग ओ सुहागिन का सुहाग लुट गया, लागल बाबी रहिन के करल कूद में आज। हल्ला मचल लोग जुट गईलन, लाश निकाल गई बहरे। अब ही वही तरह पिछड़ा आदमी शांति रह, तू इतना रही बू मान ले तुहार सुहाग उजर गल, लेकिन हमार बुढ़ारी का सहारा एक छगुनी रही टूट गई बहनी। अब हमार बेटा तू ही हो, हमन के भुलाया मत देखा ही संस्कार, हमन के छोड़ के जाया मत। एक रोज पुरुष संपर्क नहीं भयल, ये धरती का ही है इतिहास। ऐसा भी लोग धरती पर हुआ लड़की मन ही मन संकल्प करती है मौसमी कि माई बाबू का घर छूटा लो, तो धर्म का माई बाबू ही लोग हुआ। लोग का इच्छा है तो लोग का सेवा कुछ दिन करब। दिन बीतल के रही वही बीत गई, के रही बीत गई 24वां दिन है। दुखी तू बिगड़ साई धरी मौसमी, अरे दुखी तू बिगड़ साई धरी मौसमी, अब रहने लगी ससुराल, अरे वही कलला सूर में सुथाप कहन लगा चंडाल। कहानी यही समेट लेती है मित्रों, उसी गांव का रहने वाला राम सिंह जमींदार का बेटा रमेश सिंह, आवारा टाइप का था, मसेरी टाइप का था, बहसी टाइप का था, मोटरसाइकिल से चलता था, दारू के नशे में हमेशा अपने आप को गुंडा बताया करता था, लोग डरते भी थे। आज के जमाने में जेकर लाठी वही का, जेकरे पास रुपया वही का, अदालत दौलत सब कुछ वही का हो। भोजपुर बाजार से मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक रोज आ रहा है, लड़की घरे से 24वां दिन निकल गई, अम्मा जी के सेल ना जा था, पैरवा दुखा था।
इच्छे गैया पूछे बैलन का जोड़ी है, हरा चारा लिया है बदे सड़किया से कुछ दूरी पर, खेते में गई लिया हरा चारा लेके आई कपारे पर रखल से सफेद बोला मतलब सफेद वस्त्र विधवा वस्त्र धारण के लिए हो, धीरे धीरे जान हो तुम बौरसिया भैल कुछ लोग बोलियो बोलत हो कि ऐसा कलंकी नहीं बात कि आई तो खाए ढलक अपने मर गई की समाज है दो चार पांच साल छह साल आठ साल गवना करा के पंच लिया अगर बुरा कहब तो बोलिया लोगन अगर लड़के लड़का बच्चा ना भैया तब अगल बगल के मेहरारू लगे बच्चे बच्चा अरे कुछ हिजड़ीन है सामाजिक कमी है बिगड़ल घर के हमेशा बनावे के चाहिए और उसे प्रेरणा देवे के चाहिए। हालत ई बा मामला वहां कगार पर पहुंच गया। खड़ी हो गई वही घुघटोरे में से बोले थे कि बाबू जी हम बड़ा बदनसीब हैं। बदनसीब कहीं तू रमुआ की औरत तो नहीं है? आंख से आंसू चला लगल रो अथो कहलत कि हाँ हाँ भैया मैं उन्हीं की बदनसीब बीबी है। अरे छोट बदनसीब बीबी कह दिए मेरे बाहों में आ जा हम तुझे खुश नसीब कर रहे हैं। मोटरसाइकिल खड़ा कर लग रहा स्टैंड पर तो जन एक छे वाला होला ई कौन हो सके बात यार ओके लंगड़ा स्टैंड कह जला वही पर खड़ा कह जला सुतर गल जाके सामने खड़ा हो गल इधर आओ लड़की हरा चारा ले लिया कह अरे अरे किसानी माँ कूढ़का अरे चल चल जाओ थू पर खपस दी का जरा अपना चेहरा तो दिखा दे उतार दे बोझा घूंघट उभार दिलस अरे बाप रे बाप पांच दिन पचमंगरा का हरदी लगल तरासल शरीर इतनी खूबसूरत लगत माँ विधवा वस्त्र में भी इतनी खूबसूरत लगल माँ देखल से कर नसवे उड़ गई अरे बाप रे ऐसा चिड़ैया हम ना देखली दादा। हाँ एगो बार बताई कहा बतावा अब धीरे धीरे दिक्कत हटावा हाँ जल्दी बतावा कैसे काम करा विराह में तर्ज लग गई कौन था जलाल यू है गीत है मेला जात का हमरे बनारस चंदौली का माता बहिन लोग गावे ली गुरु जी मेला जी है तो ठोकवा तो खूब बना ली है एगो हेतर लड़का रही ओके से बिचली अंगूरी से हेतर एक आजर दी है आज अपने सीख के लीक से ऐसे हिंदी का साथ बना दी है तो मेला में गई है तो लड़का के उठा ली है अपन गावत बजावत चल जाइए मेला में गई है तो फेरा घूमत है सैया इला कि ना इला सैया इला कि ना देवर मिली एकदम ही राम जन्म के रंग का पान खूब खैले बा पतिर की टांग है डना फैला के चलत बा गुलगच्छा मरले हई हो अपन का अच्छा बाबू फलाना बाबू लोग कहा वो अपन हंसा थलम से कह तो होई आ लगी यो अपन लजात बा अरे जी अरे बाबू पूछत बा अरे नाई लहका कहते नाई पाल तो संगवा मुझे खैली हो आया भैया वो तो के खोजता हूँ तब अपने सखियन के बीच में गावत बा गावतबा की कहीं हुई है सड़क पर अरे कहीं हुई है सड़क पर लखत हुई है कहीं हुई है अरे लखत हुई है अरे हाथ लेके रुमलिया सत हुई है हाथ लेके रुमलिया अरे हसत हुई है पर आ जाएगा मित्रों का लड़की ए लड़की सुन करीब खड़ा हो गया जाकर के जितना दूरी हमारी इस लाउड स्पीकर से है लड़कियां पीछे हटते कहे खड़ी हो जाओ तू जानती नहीं हम कौन है मेरी बात सुन का बाबूजी का बात है कहा तो का कहला
हमारे छतिया पर बिजली, हमारे छतिया पर बिजली गिराई देहलू, हमारे छतिया पर बिजली अरे गिराई देहलू, लड़किया का कहत हुआ का सुना बालन कजोरी घर भजवाई, अरे बालन कजोरी घर भजवाई, नौकर से तोहरा खेत जोतवाई, कि हमारे छतिया पर बिजली गिराई दिहलू, बैलन का जोड़ी भेजवा, जब नौकर भेज दे सारी खेती गिरस्ती हो जाई, हमारे से बात मान ला, का बात मान ली बतिया बताओ, बस एक बार हमके आपन बनाला, तू उदास तेरे कबले बैठ तोर जिंदगी निर्माण कर दे, सुनलस तौले लाल भैली गोरी का नजरिया, लाल भैली गोरी का नजरिया, कान के थपरा चलावा गुजरिया, प्यार करवा कहूं कयावा तनी से थूक लगाए के रगड़ के हथ मलस पार दे, लगल जब थप्पर तो थाल दे फूंक कथारी मार दला सार ताकत है और खेते में इन तमारी जलस कौनो देखत ना न है, गयल मोटरसाइकिल पर अरे बाप रे कीक मारत तेरी ना या टाक लगावत तेरी ना, देख के ले ले आ लई हवेली में खड़ा कर जलत, एक नौकर रहल नौकर के बोलल यहाँ अरे कह जी सरकार कह ये गाल से गाल से अंतर कहे कि दहिना पर चप्पल लगे ला, क्रोध में क्रमांत हो गया, पागल हो गया, हराम जादी कुतिया अपने आप को क्या सोचती है, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, देखा ये दौलत का इस्तेमाल अब करा था कैलस का, क्या इधर घूमता रमेश सिंह, अरे तब थाना ऊपर आना है, पति की हत्या की है मौसमी झूठा जाल, यशो महोदय छुट्टी पर चले गए हैं, दरोगा नायब दरोगा के हाथ में चार्ज थाने का है, आवाज ना हो भैया भरतपुर थाने, अरे यार भरतपुर थाने पर आया जाकर के नायब दरोगा के सामने बैठ गया, कहा दरोगा जी एक नई खबर लेके आया हूँ, गर्मा गर्म खबर, हमारे गांव को बड़ी पेचीदा खबर, दरोगा जी कहो तू जो रमुआ मर गया उसी की खबर है क्या, जी जी वो मर नहीं गया मार दिया गया, मार दिया गया, आप ना जानत हुआ वो करे मेहररुआ का नहीं हरवे में कौनो से कंसल्ट है जहर दे के मुआ दल, दरोगा जी कहलन नायब साहब कहलन बात में कोई दम नहीं है, निकाल के लप दे 10,000 का गड्डी सामने फेंकलस, दरोगा जी कहा कुछ कुछ दम तो लग रही है, घबराओ मत तो चलो पुलिस सब दलबल से, चलो पुलिस सब दलबल से, पापी के सब लोग व्यस्त हुए, 302 के तहत में तीनों जन आपके 3 नंबर बैरिक में एकदम काची कली हो, वही जन हो तो इतनी तैयारी में हो कि खाए वाले का कमी हो, नशे में हो गए, टार्च उठा कर के वह नायक दरोगा और लड़खड़ाते हुए पहुंचा 3 नंबर बैरिक के पास, टार्च जलाया, देखा कि लड़की दीवार का सहारा लेकर के सो रही है, हाई चेहरा उघरल, लाइट लाइट का रोशनी जब चेहरे पर गई तो चेहरे से अजीब सी किरण प्रस्फुटित हुई, पागल हो गया, आया कहा वाह यार सचमुच, शंकर सिंह सिपाही नशे में है, आदेश दिया गया जाओ बुल पकड़ लाओ उस लड़की को, चल दिया शंकर सिंह सिपाही, ए लड़की चल
चल तुझे दरोगा जी बुला रहे हैं। उठ करके बैठ गई, कही खबरदार मैं रात में किसी दरवाजे की बात सुना नहीं चाहती। नहीं रे लड़की, तू नहीं चलेगी तो जबरदस्ती टान के ले चलूंगा। आखिर वही किया, घसीटते हुए लेकर के दरोगा जी की कोठरी तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। रो रो करके वह लड़की बार बार चित्कार कर रही है और छपर छपर गोर पर गिरत पाया आवाज देतवा का कहता मास्टर, ये मुरारी प्रसाद सोनकर कोषाध्यक्ष महोदय सब्जी मंडी चकिया की ओर से 50 रुपया सिंह म्यूजिक सेंटर सुभाष भैया की ओर से 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम मालिक सुखी रखम भैया के। रो रही है क्या? हाँ ये हमारे गाजीपुर गाजीपुर उजियार घाट का मल्लाह जब सवेरे सवेरे नैया खोललन तो गंगा माई में रोरी मार के जगावलन, पहले छरोरी उठा के फेंकिया की हे माता तैयार जाग जा माता हमन के पेट पर्दा के सवाल है। ऐसे गीत गावलन कवन गीत गावलन के सूता लगा मझिया उठाए गंगा अब उठाए गंगा ना अमैया मोरी भैला बीना सारा उठाए गंगा ना मैया मोरी भैला बीना सारा उठाए गंगा हरामजादे खड़े हैं बीच में लड़की बा रोवत बा कि रोही के बहिनिया अरे रोही के बहिनिया तो मांगती बा मंगनावा सुनाए भैया अब सुनाए भैया अजय दाया बारू को बनावा सुनाए भैया अजय दाया बारू को बनावा सुनाए रोवत बा कि नटई दबा के पहले अरे नटई दबा के पहले लैला परनामा सुना भैया अब पीछे करिया राती दानावा सुना भैया ना। लेकिन हरामजादे एक भी नहीं माने, लेकिन नहीं माने पापी लूटल नहीं जाती है भूलने सनाई गई बेटी का सूरतिया फेंक जल मौसमी के जल दामिया नाम सुनाए भाई आई अब सुनाए भाई कोई जेल में ले जाए के फेंक देती ले जा करके तीनों उठा करके सहवास की आदि नहीं थी लड़की, तीन तीन बलात्कार बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई, ले जाकर के उसी जेल में उसी बंदी गृह में फेंक दिए। 2.5 घंटे के बाद जब होश में आती है भोलहरी है, रो रो के अपन चुनर पहनत बा रामदास नाम का बूढ़ा चौकीदार, थाने पर उस दिन उसकी बारी थी, रोने की आवाज सुनाम आकर के बंदीगृह के सामने खड़ा हुआ कहा रे बेटी कौन है तू क्या रो रही है? बेटी शब्द सुन के फपक फपक के रो पड़ी मौसमी की बाबा ए अभागिन के दुनिया में कोई बेटी का वाला नहीं बा, हमार दुनिया उजड़ गई ऐसा ऐसा काम भर पारे पर दो सिपाही खड़े हैं आलू पतन सर हाँ ए भैया चलन है लड़किया कहाँ है गीतिया हुआ बा मास्टर अरे झूमता झमाता जोगी लाल आई लाना गरी लाल रे आई लाना गरी लाल रे झूमता झमाता जोगी लाल ले हो रा
अरे धर्म करम माना भाई लाई केला चारिया फैलाई केला चारिया हो आ गईला जोगी बाबा एक बात कोई सुल्तानपुर स्टेशन पर 4 किलोमीटर आई आदमीन का भीड़ लगल है यात्री राति का जन बैठल हुआ एक जगह एक जोगी बाबा बड़ा कम उम्र का हुआ सरंगी बजावत हूँ लोग पूछत हूँ ए बाबा इतना कम उम्र में कैसे जोगी हो गई वो जोगिया वही गीतिया गा के अपन बतावत हो तेरा सरंगिया जोगिया गावे लाभा जानी हायर गावे लाभा जानी है बचपन का दुखड़ा कुल सुनो कई मेलावा में छूटी गई ला बाबा महत तारी अरे बाबा महत तारी अभिक्षा मांगी सोरनी बजाए नूर हम कहनो जानबूझ के जोगी ना भले भैया मजबूरी है हमार बाबू माई रहलन हमारे एक बहिन रहलिन मौसमी यही मेला में विजयदशमी का मेला दिया यही से अक्सर यहाँ आई ला का दिन हमार बाबू माई हमसे मिल जाए का दिन हमार बहिनी हमसे मिल जाए बहिनिया वही में बैठल है अरे नजर तक उठा के दिखल से चेहरा कुछ बदलल लगत हो अरे भैया भैया कहीं तेरा नाम बसंत तो नहीं है हाँ हाँ दीदी हमार नाम बसंत है तू कैसे जाने लू रोवा लगल बहन के बीरना देखला बीरना के बहन यार बीरना के बहन दोनों रोव गोरो लगे छाती से लगा के दोनों फफक फफक के रोवत हो जितना यात्री बैठल हुन ए झोटा कायदे से बैठवा क्या लो सड़वाने जी तो कुदतो देरी ना हम दोनों लगा के छाती से एक दूसरे के रोवत हुन यात्री जितना बैठल हुआ सब रोवे लगल भाई का रे दीदी बड़ा दिन का राखी बनले हूं राखी बना तू मिल गई लू सब कुछ मिल गए रोलाल ए रुका 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 राखी बनोई बा ना हमार दामन पाक मानत हुआ ना कहा का तो हम राखी का बधाई लेप का बोल का चाहिए बोलत हो जैसन भून बतौले के जरूरत ना भाव वैसन आ गया के भैया मेरा अरे भैया मेरे अरे बहनी के लाज को बचाना भैया अरे भैया मेरा अरे भैया मेरे बहनी के लाज को बचाना भैया मेरे दुश्मन को देश से मिटाना बस 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 कौन है वो हराम जादे उनका नाम बताओ नाम बताओ से बिरहा ये जैसे अब भी लस लग गई नमस्कार करारा सुनिका तारा बहनी का दस्तानावा तलावा का पाला अरे सुनिका तारा बहनी का दस्तानावा तलावा का पाला और जला दिया तन का जगिया दस्तानावा तलावा का पाला
कही तरी बाबा गोरखनाथ की। अरे घूमे खो जा आपन दूसुन, अरे तौने गई रमेश सिंह चौड़ा है पाधे का। चौराहे पर देसी शराब की दुकान, बगल में पकौड़ी छानक है, इसे भाई मेहरारू बैठ के बहनिया पट गली में गिर का भैया सुन 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 क्या वह वह है भैया हमारी जिंदगी में आग लगाओ वाला वह है। कहे तो घबराइल कहे को तू चल जा नैहर वाले घरे हम आई रसा जी जा तो क्या हमार कसम दीदी जा लड़की वहीं से पिछोड़ भइल घूंघट में होके भाग के ससुराल वाले गांव पर आई ले। दया रही अपन दारू पी के ठीक हो पकौड़ी में से उठा उठा के गरीब बेचारी उछान के बेचे की फिर आई सरवा हरम ज्यादा में से उठा उठा खा घूम पिए घूम पकौड़ी बहुत बढ़िया तेरी पकौड़ी बड़ी मस्त है गजब पकौड़ी था आधा बोला था आधा घोट लेता। अब जिया गयल कहल की बेकाबू हो गल है पदरे पहुंचल कर सका तो पीछे से गिरा के सीना वापस चढ़ी गई। ओ भैया पीछे से गिरा के सीना वापस चढ़ी गई। ओ लरा तो तर गोली के दे हलक। ओ भैया तो तर गोली के दे हलक। पटक के वही सीने पर सवार। अरे सवार होके रिवाल्वर जब निकललस तो कर रहे तुम हमको नहीं चिंता हम तेरे बार बना देंगे। कह साले माकुड़ उठौलस रिवाल्वर क्या याद कर रहा है किस बहन विधवा बहन के इज्जत से खेला था ये उसका प्रतिशोध उठा के रिवाल्वर गोली सीने में तीन गोली मचल हड़कम भगदड़ मचल रे भाग रे भैया। अरे हेतता एक छे तनी तनी फाफी ये भैया आवत है लइका मरला से तीन बोरी पसार कुछ आदमी कथवा जाए दे सारे मर गल कलान पदरवी रहल जाए दे थाने पर खबर गई दूठे सिपाही आके अपन तलाश कर तुम हाँ ये तो मरना ही था चलो घूम के ओहर से थाने पर पहुंचल दरोगा जी नायब साहब सादे ड्रेस में हुआ टी शर्ट हाफ पैंट पहन के वही बैठल हमें अखबार पढ़त हूँ करीब पहुंचल कर अरे दरोगा जी दरोगा जी कर नमस्कार नमस्कार कर नमस्कार ना करते मैं कुछ कहने आया हूँ अखबार को इसे नजर ना हटाओ तो कल तो रिपोर्ट लिखानी है अंदर लिखा दो दीवान जी क्या कल रिपोर्ट नहीं लिखानी है ध्यान से सुनो रिपोर्ट नहीं लिखवानी है तुम्हारे जिंदगी के मौत पर तुम्हारे मौत पर दस्तखत कर कुर्सी से गिरा के सीना वो तो चढ़ी गई चलो चलो गोली लेके दे हलक भैया चलो चलो गोली लेके दे हलक। अरे अरे बही तो बच गई रे शंकर सिंह सिपहिया यहाँ तो हूँ तो गलिया रे गई ने बेनहाल बोला के तीन दो पांच एक गोली बचल है एक दुश्मन बतावत देता है दिखा के घर में आकर तो भैया सुने में आओ तो भाई दुइया मरलस अतरे बहरे झकलस से एक नजर देखलस का हल्का में घूमत शंकर सिंह
बेटी माता भी प्यारी थरी चौड़ा है ऊपर लाली गला उतारी जहर खाना आई जक्का फैसला जहाँ भाई का बयान जारी हो वही जो शंकर सिंह का गर्दन कटले लहू से लाल कड़ासा हाथ में ले ले शेरनी आई कोई कटघरे में खड़े हो गए जज साहब हम हूँ जाने का खून का क्या होता जज साहब कहना है दुनिया खून करे तो भगत भगत पलीद लग जाले आवत है कहते खून कई आवत है क्या तुम दोनों में कोई रिश्ता हाँ हम भाई बहन है सजा मिलेगी मंजूर है कोई गवाह है तुम्हारा कहना वकील न गवाह गवाह है बस वही खुदा गवाह भरतपुर बाजार के लोग हजारों हजारों की संख्या में आकर के और अदालत में भिड़ गए आवाज देने लगे जब से नायब दरोगा और शंकर सिंह सिपाही का साथ इस थाने पे आया है इतना अत्याचार हर क्षेत्र हर रोज किसी न किसी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है बच्चों ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है गलत नहीं किया है तो जनता की अदालत के सामने दुनिया की सारी अदालत झुक जाया करती है विचार करना पड़ा जज साहब को जज साहब जजमेंट के ऊपर भारी दौर बढ़ाया शांति से बिखुर गए इस कविता को कविता छूमे स्वर्ग चंद्र का कभी बन समा या समा सुहाग इनका सुहाग लुट गया विजयी प्यारा लाल कविता में जागल भाग रहा सुहाग इनका सुहाग लुट मास्टर कहा था मन दिल का खिलौना हाय तू टूट गया दिल का खिलौना।